हमारे घर के या किचन के ऐसे छोटे छोटे चीज होती है जो कि हम थोड़े से अगर ध्यान देंगे तो हमारा बहुत सारे समय, पैसा और मेहनत तीनों ही बच जाएगा। ऐसे ही कुछ टिप्स लेके आपके पास हाजिर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे से ऐसे तक। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के ये इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम जब भी दूध गर्म करते हैं तो दूध क्या होता है, नीचे मतलब पतीले में लग जाती है या साइड में लग जाती है, तो जो कि हम थोड़ा साफ़ करने में बहुत सारे टाइम लग जाती है और हमारा दूध का भी बहुत सारे विटामिन वेस्ट हो जाती है। इसके लिए आप क्या करना, जब भी दूध गर्म करने लेते हो तो पतीले में थोड़ा सा पानी लेके उसको अच्छे तरह से फैला के उसके बाद दूध उसमें डालना। और ये मैं गाय का दूध ली हूँ बाहर से, तो इसके लिए मैं छान के ले रही हूँ। आप भी अगर बाहर का दूध ले रहे हो तो ज़रूर छान के उसको यूज करना, क्योंकि उसमें सारे गाय का कभी कभी होता है ना, उसका बाल वगैरह भी पड़ा रहता है या धूल मिट्टी भी लगा रहता है, तो इसलिए मक्खी वगैरह भी पड़ा रहता है, तो इसीलिए आप जरूर छान के लेना। उसके बाद नेक्स्ट टिप्स ये है कि आप जब भी दूध गर्म करते हो, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा ध्यान ना देने के कारण या कभी कभी ऐसे भी होता है कि दूध अचानक से आपका हाई फ्लेम में होगा तो दूध उबल के नीचे गिर जाते हैं, जो कि हमारा पूरे काउंटर टॉप ख़राब हो जाता है और गंदा होता है और दूसरी दूध भी वेस्ट हो जाता है। इसमें मैं क्या करना, आप कोई भी वेस्ट आपका पास अगर प्लेट है या स्टील का हो भी चलेगा, ये वाला प्लेट मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। ऐसे प्लेट को आप गैस के वो जो नीचे आप इसको रख देना, इसमें क्या होगा जो भी गिरेगा आपका वो प्लेट में रह जाएगा, तो इसमें आपका बहुत सारे टाइम सेविंग हो जाएगा और आपका दूध वगैरह भी प्लेट में रह जाएगा। दूध या दाल या कोई भी चीज़ आप बिठाए तो ऐसे आप काउंटर टॉप में थोड़ा सा गैस के नीचे प्लेट रखोगे तो आपका बहुत सारे टाइम सेविंग हो जाएगा। दूध या सब्जी कभी भी कुछ भी चलाने के टाइम हम क्या करते हैं, हमारी हमारी स्पैचुला को कहीं पर भी रख देते हैं, जैसे नीचे हो, काउंटर टॉप में हो गया, गैस के ऊपर हो गया, ऐसे रख देते हैं। ऐसे करने से हमारा गैस भी ख़राब होता है और हाइजीनिक मेंटेन भी नहीं रहता है। ऐसे में क्या करना, आप ज़रूर साइड में आप कुछ भी प्लेट या कोई भी कुछ चीज़ रखते ना जिसमें हमारा ये स्पैचुला को रख सके। आप स्पैचुला होल्डर भी ले सकते हो, लेकिन यह हम पैसे सेविंग की बात करें तो आप कोई भी आपको प्लेट वगैरह रखते ना, स्टील का प्लेट भी होगा तो और भी अच्छा है। तो ये मेरा वेस्ट था इसलिए मैं ये वाला प्लेट यूज कर रही हूँ। स्पैचुला की बात करें तो उसके बाद आते हैं लाइटर की तरफ। हम लाइटर जब भी यूज करते हैं कभी भी, मतलब गैस चलाने के बाद हम इधर उधर कहीं पर भी रख देते हैं, जब ढूंढने में कभी कभी तो होता है बहुत सारा टाइम चला जाता है, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा जुगाड़ लगाई हूँ। इसमें आप कोई भी कैप पड़ा वाला जो होता है ना, कैप आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने मेरी बेटे का थोड़ा सा खिलौने वाला ली हूँ, जो ड्रम आती है ना, वो बियर वाला ड्रम, उसका ही मैं ड्रम को यहाँ यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी बड़ा वाला कैप यूज कर सकते हो। इसको बीच में काट के आप थोड़ा सा नाइफ को गर्म करके बीच में काटना है। सिंपल सा हैक है लेकिन ये बहुत काम की है। उसके बाद देखो, देख रहे हो ना, ऐसे मैं काट दिया, उसके बाद पीछे डबल साइडेड टेप मैंने चिपका दी। उसके बाद हम कहीं पर भी जहाँ पर आपका हैंडी हो आपको दिखाई दे उसी के बस ये आपको टाइल्स में चिपकाना है या दीवार पे चिपकाना है। उसके बाद आप इसको ये लाइटर को रखना है। इसमें से क्या होगा, आपका बहुत ही टाइम सेविंग हो जाएगा और हमारा पैसे भी सेविंग हो गया। ये अच्छा वाला जुगाड़ है, फ्री का जुगाड़ है। तो इसमें क्या होगा, आप जल्दी लाइटर मतलब ऑन करो, गैस ऑन करो, फिर उसके बाद आप इसको लाइटर वही जगह पर रख दो। इसमें हमारा बहुत सारे टाइम और स्पेस सेविंग हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, जब भी हम प्लास्टिक कंटेनर वगैरह या जैसे टिफिन बॉक्स वगैरह यूज करते हैं तो उसका लीड क्या होता है, बार बार यूज करने के बाद हमारा ये थोड़ा सा इट टाइट नहीं होता है, थोड़ा लूज हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी बास्केट में या किसी में भी आप रख के इसको थोड़ी देर मतलब आधे घंटे एक घंटा या आप मतलब 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हो। इसको आप फ्रीज के अंदर रख दोगे तो ये फिर से अच्छे शेप में आ जाएगा, फिर आपका ये जितना भी प्लास्टिक कंटेनर जो भी है आपका इट टाइट बन जाएगा। उसके बाद आते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कड़ी पत्ता जब बहुत सारे लाते हैं या तो हम स्टोर करने वाले क्या होते हैं, ख़राब हो जाता है। इसके लिए ये बहुत अच्छा टिप्स है कि आप जब भी कड़ी पत्ता ज़्यादा आपके घर में हो, आपको बहुत दिनों तक आपको स्टोर करना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी बास्केट में या प्लेट में आप थोड़ा सा फैला के रख देना है। कड़ी पत्ता को अच्छे से धो के उसको थोड़ा सा कपड़े के ऊपर रख के थोड़ा सा बाहर रख के ड्राई करके उसके बाद आप कोई भी बास्केट के अंदर रख दो। उसको फ्रिज के जैसे ये टॉप वाले लेयर होता है ना, उसमें रखना है।
उसमें आप 2 से 4 दिन के लिए रख देना, देखना आपका ये कड़ी पत्ता बिल्कुल जैसे सन ड्राई होता है ना वैसे ही ड्राई हो जाएगा, और ये बहुत दिनों तक आपका स्टोर होकर रह जाएगा। आप कोई भी कंटेनर में इसको भर के रख देना, देखना ये बहुत दिनों तक स्टोर होकर रहेगा। ये बिल्कुल मतलब ये मैं खुद ट्राई की हूँ, बहुत यूजफुल वाला ये टिप्स है, तो आप ज़रूर वाला ये वाला ट्राई करना, देखना बहुत अच्छे से ये काम करेगा। उसके बाद आते हैं हम हमारे घर पे बहुत सारे ऐसे होता है कि टमाटर सॉस का ऐसे पैकेट आती है, तो हम क्या करते हैं उसको कभी कभी डेट जाने के तहत हम फेंक देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाए घर के में पड़ा रहेगा तो हम क्या करते हैं फेंक देते हैं। लेकिन इसका बहुत अच्छा इसका यूज है, तो आप इसको कभी भी फेंकेगा नहीं, अगर डेट भी चला जाएगा ना इसको कभी भी फेंकेगा नहीं, इसके बहुत सारे यूज हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हो ये वाले पतीले का पीछे वाला पार्ट किसी कितना गंदा हो गया है, तो इसको हम टमाटर सॉस में साफ़ करेंगे, देखें कितने अच्छे से और कितने जल्दी हमारा ये हमारा पतीला साफ़ हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसको बस जैसे ये हमारा फ्राई पैन का पीछे वाला पार्ट होती है ना, उसको भी आप साफ़ कर सकते हो टमाटर सॉस में। तो इसमें बस क्या करना, आपको थोड़ा पतला थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया तो आपको थोड़ा सा अच्छे से उसमें लगा के 10 मिनट के लिए आपको छोड़ना है, उसके बाद आप इसको स्क्रब करके उसके बाद देखना इसका बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आप पूजा वाला बर्तन जैसे पीतल वगैरह होता है ना, कांच का पीतल का, उसको भी आप उसमें भी आप ये टमाटो सॉस यूज कर सकते हो, देखना ये बहुत अच्छे से चमक उठेगा। आप देख ही सकते हो, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे से ये साफ़ हो रहा है और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। इसीलिए आगे से आप कभी भी टमाटो सॉस मतलब चाहे डेट भी चला जाए आप कभी भी फेंकेगा नहीं, इसका आप रियूज ऐसे कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको स्क्रब करके आपके साथ दिखा रही हूँ, तो इसको हम अभी स्क्रब करेंगे आपके सामने, देखना आप इसका कितना अच्छा सा रिजल्ट आएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे से हमारा ये साफ़ हो जाएगा। आपको पूजा वाला बर्तन भी ऐसे ही बहुत अच्छे से, कितना भी गंदा हो ये बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। देख सकते हो फ्रेंड कितने अच्छे से साफ हो गया, इसको मैं धो के बाद आपके साथ मिलती हूँ। देख रहे हो कितने अच्छे से साफ हो गया, और साफ करने बाद आप जरूर ड्राई वाले कपड़े में इसको साफ करना मतलब ड्राई कर देना, नहीं तो इसमें ना वो टमाटर सॉस का थोड़ा सा दाग रहता है। देख सकते हो आप, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा मतलब ड्राई नहीं की थी तो इसलिए थोड़ा सा दाग रह गया है, देख सकते हो आप, देख रहे हो ना थोड़ा सा दाग रह गया, इसलिए फटाफट से आपको अगर कपड़े में साफ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।